करने के लिए हम भक्ति करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित वजवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमार्थो महान। सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है? लक्ष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। श्री कृष्ण चैतन्य मतमिदम परम आदर न परह, इसके बढ़कर कुछ मत है ही नहीं। यही फाइव, दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट ओपिनियंस ऑफ श्रीमद ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। पहला ओपिनियन क्या है? हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? ब्रजेश तनयस, नंद बाबा जो ब्रज के ईश हैं, उनके पुत्र का आराधना करना है। और भगवान का जो धाम है वो क्या है? वृंदावन है। हमें किसकी शरण लेना है? गोपियों के शरण लेना है, क्योंकि गोपियां जो है भगवान की उपासना करते हैं। और चौथा जो है श्रीमद् भागवतम जो है ये प्रमाण है, और हमारा जो लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का आदेश दिया, और श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से और खोल कर पूरी तरह से समझाया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रीमद् भागवतम और सब जगह विख्यात होने लगा। वैसे तो श्रीमद् भागवतम पहले भी था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद श्रीमद् भागवतम और अति प्रिय होने लगा। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये सभी ग्रंथों का सार है। जैसे अभी हमने सनातन गोस्वामी द्वारा देखा कि श्रीमद् भागवतम ये भागवत का प्राण है। तो श्रीमद् भागवतम का रोज उच्चारण करने से नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या, हमारे अंदर जो अभद्र है ये दूर हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, जिसे हमने अभी अच्छी तरह से विस्तार से समझाया कि किस तरह से भागवत जो है ये भगवान का शरीर है। तो भागवत में आप पाएंगे बहुत सारे कन्वर्जेशंस, वार्ताएं। जैसे अगर देखा गया तो पहले श्रीमद् भागवतम कहाँ गया था? भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, पार्वती कहती है कि मुझे सुनना है भगवान के बारे में। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं सुनाऊंगा, ये तो हुआ भुवनेश्वर के जंगल में, मैं सुनाऊंगा। लेकिन उसका एक अट है कि जब मैं सुनाऊंगा कोई और नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ आप ही सुनना है, और मैं आंखें बंद करके सुनाऊंगा। जब मैं आंखें बंद करके सुनाऊंगा तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आप सुन रहे हो, ये नहीं कि आप सो गए हो। तो इसीलिए आपको हुंकार देना है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब होता है तो निद्रा देवी भी वहाँ प्रसन्न रहती है, तो बहुत नींद आती है। तो कोई कहा कि माता जी जब हम क्लास अटेंड करते हैं हमें बहुत अच्छी नींद आती है। एक व्यक्ति आता है सिर्फ सोने के लिए आता है, कहता है मैं 8 दिन सो नहीं पाता हूँ घर में, 7 दिन सो नहीं पाता हूँ, लेकिन ना जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता से सो जाता हूँ। ये नहीं मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं सुनता भी हूँ और सोता भी हूँ। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम कथा चालू होता है तो नींद भी आती है। तो शिव जी कहते हैं जब मैं भागवत बोलूंगा तो आपको हुंकार करना है। तो कर रही है, और यहाँ सभी को, सब प्राणियों को भगा दिया, जितने भी पक्षी हैं उनको भी भगा दिया। लेकिन जैसे ही भागवत प्रारंभ किया वहाँ अंडे में से एक छोटे से पक्षी बाहर आई, और वो छोटे से पक्षी ने अभी सुन रही है, वो छोटे से पक्षी वो कौन थे? वो सुखा यानी पैरट, इधर सुखा। तो वो पैरट भी सुन रहा है, पैरट का बच्चा भी सुन रहा है। तो इस प्रकार से जो पैरट का बच्चा भी सुन रहा है, यहाँ पैरट के बच्चे ने देखा कि पार्वती माँ सो रही है, अब जो सोने को जाएगी तो यहाँ भागवत में अंत आ जाएगा, ये बोलेंगे नहीं भागवत को। तो इसीलिए ये जो बच्चा है ये इनकार करने लगा। भागवत संपूर्ण हुआ तब शिव जी ने अपने आंख खोला तो देखा तो अरे पार्वती तो सो रही है, तो ये किसने हुंकार किया? तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां एक छोटा सा तोता हुंकार कर रहा है। तो अपने तीसरे नयन खोले उसको जलाने के लिए, तब तक वो जो तोता है वो उड़कर बद्रिकाश्रम के वो भाग गया। वहां बद्रिकाश्रम में जवाली जो है व्यास की पत्नी, वो ऐसा जाम्बई बोलते हैं योनि, दे रही थी, तो अंदर पेट में घुस गया और वहीं पेट में, जवाली के पेट में 16 वर्ष रहे।
वही है सुखदेव गोस्वामी। वे बाहर नहीं आना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज सो मच अफ्रेड ऑफ माया। ही वॉज टेलिंग नो नो आई डोंट वॉन्ट टू कम आउटसाइड, माया विल कैच मी। तो व्यास कहते थे आप तो माया से परे हो, इनफैक्ट आप आने से पूरे जितने भी जगत में लोग जो माया में फंसे हुए हैं वो माया से बाहर आएंगे, इसलिए आप आइए, आपको कोई माया आपके ऊपर कुछ वार नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की आयु में जब बाहर आए तब भाग रहे हैं, अभी नग्न थे, भाग रहे हैं, भागते हैं गंगा के तट की ओर। गंगा के तट की ओर भागते हैं, वहाँ परीक्षित महाराज उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो वहाँ परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाते हैं जो उन्होंने शिव जी के द्वारा सुना है। तो सेकंड कन्वर्सेशन यू विल फाइंड बिटवीन परीक्षित सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित। तो वो असेंबली में सुत गोस्वामी भी सुन रहे हैं, बहुत सारे वहाँ ऋषियाँ थे, नारद मुनि भी थे, वेद व्यास भी बैठे हुए थे, सभी लोग सुन रहे हैं। और सुत गोस्वामी ने पूरा भागवत सुखदेव गोस्वामी से सुना और नैमि शरण्य के ओर निकल पड़े। और नैमि शरण्य में आप पाएंगे बहुत सारे ऋषियाँ बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे कौन आएगा हमें भागवत सुनाएगा। तब सुत गोस्वामी वहाँ प्रवेश करते हैं। तो सुत गोस्वामी जब प्रवेश करते हैं तब शौनक ऋषि, जो ऋषियों के जो हेड थे शौनक ऋषि, उनको अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, उन्हें अच्छा आसन देते हैं और विनम्रता से विनंती करते हैं कि आप हमें भागवत सुनाइए। तो आप थर्ड कन्वर्सेशन जो पाएंगे वो है द सेजेस ऑफ नैमि शरण्य हेडेड बाय शौनक ऋषि एंड सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी एंड द सेजेस ऑफ नैमि शरण्य हेडेड बाय शौनक ऋषि। तो इस प्रकार से कन्वर्सेशन देखेंगे आप। बीच बीच में आप कन्वर्सेशन मैत्रीय वाच पाएंगे, विदुर मैत्रीय संवाद पाएंगे, तो नारद व्यास संवाद भी पाएंगे आप। तो इस प्रकार से संवादों से भरा हुआ है भागवत। संवाद में प्रश्न होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न किसके संबंधी है? भगवान संबंधी है, भक्त संबंधी है, भक्ति संबंधी है। तीन चीजों को आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं, भगवान, भक्त, भक्ति। भक्ति जो है भगवान से जुड़ा हुआ है, भक्त जो है भगवान से जुड़े हुए हैं। यू कैन नॉट सेपरेट लॉर्ड, डिवोटीज एंड डिवोशन। तो ये तीनों के विषय में आप पाएंगे भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में जो संवाद है ये तीनों के प्रति एक प्रकार का क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है, प्रश्न के उत्तर होते हैं। संवाद में जनरली कन्वर्सेशन में क्या होता है, प्रश्न उठाया जाता है और उसका उत्तर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम पहले स्कंद के पहले अध्याय के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अगले हफ्ते से हम उसके श्लोकों को ज्यादा देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है उसे कहते हैं क्वेश्चंस बाय द सेजेस। अब सुत गोस्वामी नैमि शरण्य में प्रवेश किए हैं, कहाँ से सुनकर आए हैं? गंगा के तट में बैठे हैं जहाँ सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद हो रहा है, वहां बैठकर इन्होंने भी पूरा कथा सुना और नैमि शरण्य में प्रवेश किए हैं। वहां जो ऋषि संत लोग बैठे थे उन्होंने कोई कोई प्रश्न सुत गोस्वामी के पास रखा। टेक्निकली दे आर सिक्स क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द सेजेस ऑफ नैमि शरण्य टू सुत गोस्वामी। और इसका जो उत्तर है आप पाएंगे दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा जो भागवत है वो क्या है, इस 6 प्रश्नों का उत्तर विस्तार से समझाया गया है। और अगले हफ्ते में हम 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम भी करने का प्रयास करेंगे। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण तैह मनमंत्र ईशान तथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं।
इसका हम थोड़ा सा विस्तार से हम अगले हफ्ते थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि भागवत में क्या है डायरेक्ट हम भागवतों का श्लोक को नहीं ले सकते हैं। भागवत की ग्लोरीज को जानना चाहिए, भागवत क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवतम ये सेंटिमेंट के लेवल पे नहीं पढ़ना है। भागवतम को बड़े ज्ञान से और बड़े बड़े श्रद्धा से पढ़ना है। सेंटिमेंट्स आर जस्ट टेम्पररी, लेकिन श्रद्धा जो होता है वो अटूट है। श्रद्धा क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, मेरे प्राण है। एक बार हम वापस सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वशास्त्राभि पीयूष सर्व एक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्पदा सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कली ध्वांतो दिदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाटनाय प्रेम वक्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदनमोस्तुते। असाधु साधु दत्ताय अतिनीचोच तारक हानमुंच कदाचिन्माम् प्रेम्णारुत्कंठयोस्फुरः। तो इसे आप रोज पढ़ने का और समझने का प्रयास करिए, तभी भागवत में एक अटूट श्रद्धा रहेगा। नहीं तो कभी कभी भागवत को हम सेंटिमेंट्स के लेवल पे अगर लेंगे तो थोड़े समय तक सुनेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे क्या है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी है भागवत में। भागवत में भी फिलॉसफी है, क्योंकि प्रायः हम देखते हैं भागवत में सिर्फ हम सोचते हैं खाली स्टोरीज हैं, नहीं। क्योंकि इसी तरह से आप टीवी में जो भागवत पाते हैं, 7 दिन का भागवत पाते हैं, उसे स्टोरी के रूप में वर्णन किया जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है चलो स्टोरी तो सुनना है ना, सिद्धांत थोड़ी पढ़ना है। लेकिन सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, पूरे सिद्धांत का ये क्या है, रत्न है। सर्व वेदे का सत्फला, पूरे वेदों का सार है, वेदों का फल है। इसलिए भागवत जब पढ़ते हैं हमें एक एक अध्याय को और एक एक श्लोक को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ये नहीं कि डायरेक्टली हम जंप करें कोई कोई स्कंदों में जो हमें अच्छा लगता है, कोई कोई स्टोरीज हमें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली द स्टोरीज ऑफ कृष्णा डायरेक्टली डीलिंग विद द गोपीज ऑफ वृंदावन। ये सब स्टोरीज तो हमें 10वें स्कंद में हम पाएंगे। हमें पहले स्कंद से, पहले स्कंद के पहले श्लोक से ही हमें जाना है। तो 10 सब्जेक्ट मैटर्स जो है ये 3रे स्कंद से प्रारंभ होता है। 3रे स्कंद में सर्ग के बारे में ज्यादा कहा गया है। तो ये हम अगले सेशन में लेंगे कि हर स्कंद में कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को डील किया है। अब भागवत में किन का वर्णन है, हम कहते हैं भगवान का वर्णन है। तो भगवान को, भगवान का वर्णन है ये सही है, या कहते हैं गॉड का वर्णन है। लेकिन अगर गॉड कहेंगे तो गॉड यानी कंट्रोलर। लेकिन कहते हैं प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में कि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान गॉड के बारे में नहीं है, अब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के बारे में है। बहुत अंतर है इसमें, गॉड और अब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वैसे जो भी कंट्रोलर है वो अपने आप को गॉड भी समझ सकता है। हम थोड़ा कहीं अपने मन इंद्रियों पे वश कर लेते हैं तो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। तो ऐसे बहुत लोग किसी के ऊपर वश कर लेते हैं, किसी के ऊपर उनका कंट्रोल है तो अपने आप को भगवान मान सकते हैं। लेकिन भगवान के विषय में, भगवान यानी पूरा तत्व, परम तत्व, इति सत्यम परम धीमहि, वो सत्य जो है, जो परम है, उनके विषय में हमें जानना है।
जो परम है, जो सत्य है, जिनके अधीन सभी हैं। अभी आते आते मैं सोच रही थी, हम थोड़ा कहीं कुछ जान लेते हैं तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन भगवान तो हर एक जीव के बारे में जानते हैं। पेड़ के अंदर जो जीव वास करता है उसके बारे में भी जानते हैं, इस पेड़ को कैसे पालन पोषण करना है उसके विषय में भी जानते हैं। आप देखिए, सच्चे हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, वी हैव सम स्मॉल इंटेलिजेंस एंड वी थिंक दैट वी आर सो इंटेलिजेंट, ही इज ऑल इंटेलिजेंट। सबको जानना, सबके कर्मों का हिसाब किताब रखना, सोचिए, और हरेक के कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होना, और सभी लोगों को किस तरह से पालन पोषण करना है, सभी लोगों को किस प्रकार से निर्माण करना, हर कार्य को जानने वाला जो है वही परम सत्य है, वही कृष्ण है। तो सिर्फ गॉड बोलने से हम भगवान को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ही इज अब्सोल्यूट, ही इज सुप्रीम। अब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से परिपूर्ण, अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट में सब आ जाता है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, सभी तत्व आते हैं। भगवान के तत्व यानी हर सिर्फ भगवान का शरीर नहीं, भगवान के शरीर से निकला हुआ कांति जो है ब्रह्मन, भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है वो है परमात्मा, और भगवान स्वयं अब्सोल्यूट पर्सनैलिटी। ही हैज अ वंडरफुल फॉर्म, सुप्रीम, ही इज सुप्रीम, वही परम है, वही सत्य है, और वही गॉड हेड है। सभी ईशों के परम ईश्वर है ईश्वर, हम कहते हैं। कोई भी अपने आप को ईश्वर कह सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो कौन है? भगवान है। इसीलिए भागवत जो वर्णन कर रहा है वो परमेश्वर का वर्णन कर रहा है, सिर्फ ईश्वर का वर्णन नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वर्णन करता है। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद ने किस तरह से अच्छा वर्णन किया है कि हाउ श्रीमद् भागवतम इज ग्लोरिफाइंग द अब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और पहला जो श्लोक है उसे गायत्री भी कहा जाता है, गायत्री, पूरे भागवत का ये गायत्री है। सत्यम परम धीमहि, गायत्री कैसे एंड होता है? धीमहि से एंड होता है। गायत्री का उच्चारण का अर्थ है हमें भगवान में ध्यान लगाना। तो धीमहि, हम किस पर ध्यान लगाते हैं जब भागवत पढ़ते हैं? परम सत्य में ध्यान लगा रहे हैं, और यही परम सत्य को ध्यान लगाने का सिखाना, ध्यान कैसे लगाना इसे सिखाया गया है चैतन्य महाप्रभु ने। जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे उस परम सत्य में हम ध्यान लगा सकते हैं, और जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और ध्यान करते हैं तभी हम भागवत पढ़ने के लिए योग्य, यू कैन से यू आर क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टडिंग भागवतम। हम भगवान का नाम कभी लेंगे नहीं और बोलेंगे हमको भागवत पढ़ना है तो कैसे हो सकता है? योग्यता जो है ये जब से ही आता है, जितना भगवान का नाम जप करेंगे हम अपने आप को योग्य पा सकते हैं। या भगवान और भगवान के विषय में जानना ये इतना सरल नहीं है। हम तो एक मनुष्य के बारे में नहीं जान सकते, अपने आप के बारे में, हमारे अंदर क्या हो रहा है ये नहीं जान सकते हैं, तो भगवान के विषय में कैसे जानेंगे? इसलिए भगवान के विषय में जानना है तो बहुत अच्छी तरह से जप करना है, और इस जप को सब जगह सर्वत्र प्रचार किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। सो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के शरणागति जाने के जाना ही चाहिए। उन अगर शरणागति नहीं जाएंगे तो भागवत कभी नहीं पढ़ सकते हैं। इफ यू डोंट टेक द शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड भागवतम। क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है भागवत पढ़ने का, जो क्वालिफिकेशन है ये चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रेमा पुमार्थो महान, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेमा पुमार्थो महान, यही हमारा लक्ष्य है, प्रेम पाने का हमारा लक्ष्य है, और प्रेम लेकर आए हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये गोलोक का प्रेम धन है। और हम कहते हैं व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? किसी भक्तों को पूछिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जब कितना करते हैं? अब कभी कभी टाइम मिलता है तो करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जब को बड़े सावधानी से, बड़े रुचि से हमें करना है, क्योंकि ये प्रेम हरि नाम में है, हमें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
जितना हम हरि नाम करेंगे यही प्रेम को पाएंगे। और इस प्रेम को अच्छी तरह से जो वर्णन है वो कहाँ दिया है? श्रीमद् भागवतम में। सो चैंटिंग इन श्रीमद् भागवतम बोथ आर इंटरलिंक्ड। कहते हैं पांच चीज हमें करना है। यदर आर फाइव लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। पांच लिम्स को क्या कहते हैं? अंग है, पांच अंग। पहला अंग है भक्तों का संग, साधु संग। जितना हम साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम भक्ति में प्रौढ़ हो सकते हैं। तो साधु संग, तो साधु संग करेंगे तो वहां क्या होगा? श्रीमद् भागवत का श्रवण होगा। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करने से विग्रह का सेवन कैसे करना चाहिए इसकी योग्यता भी हमें और इसका ज्ञान भी हमें मिलता है। तो डीपी वर्शिप, विग्रह सेवन, और फिर धामवास। जहां भी हो भगवान का जप करते हैं, जहां भी हो भगवान का सेवा करते हैं, तो वो स्थान धाम हो जाता है। और धाम में प्रवेश कैसे करना चाहिए इसका ज्ञात भी हमें होता है, धामवास। और धामवास करेंगे तो वहां क्या करेंगे हम? और साधु संग करेंगे तो क्या करेंगे? भागवत पढ़ेंगे तो, विग्रह सेवन करेंगे तो क्या करेंगे? नाम जप करेंगे। तो इस प्रकार से पांच अंग है। पांच अंगों का एक बार वापस बोलिए, पांच अंग क्या है? साधु संग, भागवत भगवत गीता का पठन अध्ययन, और विग्रह सेवन, धामवास, और भगवान का नाम का स्मरण, उच्चारण करना, जप करना। तो इस प्रकार से ये पांच जो है ये अंग है। तो यही क्वालिफिकेशन होता है भागवत में प्रवेश करने का। तो अगले सेशन से हम पहले 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम लेकर फिर पहला स्कंद में प्रवेश, पहले स्कंद के पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद हिरण्याकशिपुर्वक्षः, शिलाकंठानकालये जय हो नरसिंह।
जय हो प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय हो प्रह्लाद महाराज, जय हो प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय हो प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, भगवान की जय, भक्त श्रोमिल प्रह्लाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।